नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को वह सारे लोग कर सकते हैं जिनके घर टूट रहे हैं। कोई भी कारण शर आपकी पत्नी यदि आपको छोड़ करके चली गई है तो आप इस उपाय को करें। वे तमाम लोग जो घर बसाना चाहते हैं लेकिन सामने जो महिला है, जो लड़की है, आपका कहना नहीं मान रही है, आपको भाव बिल्कुल भी नहीं दे रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके सिवाय भी कुछ ऐसे लोग हैं, अभी बीच में मेरे पास कमेंट आती थी कि मेरा व्यवसाय ही ऐसा है कि जहाँ पर जिनके साथ लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, तो आप मुझे ऐसा उपाय बताओ कि महिलाएं मेरे तरफ अट्रैक्ट रहें। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। महिलाएं आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगी यदि आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाएं कनेक्ट हों तो आपका काम होता रहे। उदाहरण दूं दोस्तों, तो जैसे जो श्रृंगार की चीज़ें बेच रहे हैं, जो दुकान लेकर के बैठे हैं, वे भी यदि इस उपाय को करते हैं तो उनकी दुकान में जो भी महिलाएं आती हैं वो चीज वस्तु से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगी। वो आपकी दुकान में इसलिए आएंगे क्योंकि वे आपसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, और इससे आपकी बिक्री चल पड़ेगी। लेकिन इस अट्रैक्शन का कभी भी आप गलत फ़ायदा मत उठाना, कभी भी दोस्तों गलत फ़ायदा मत उठाना। अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी के दिमाग पर राज करने मत जाना, ठीक है, अन्यथा इसके जो परिणाम है वो आप और आपको ही भोगने होंगे, ठीक है। मेरा काम था आपको बता देना, क्योंकि मेरा काम है आपकी मदद करना। जैसे जैसे आप मुझे कॉल करते हैं, जैसे बातें होती हैं, और मुझे जो टॉपिक मिलते हैं वीडियो बनाने के, मैं उसी पर से वीडियो बनाती हूँ। और ये उपाय बहुत साधारण है दोस्तों, सिर्फ आपको तिलक करके बैठना है, अपने व्यवसाय पर तिलक करके आपको जाना है, उस व्यक्ति के सामने, उस महिला के सामने, उस स्त्री के सामने, उस लड़की के सामने जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये उपाय कर लेना है। शुक्रवार के दिन आपको इसे बना करके रखना है। एक्चुअली शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अन्यथा फिर आप कभी भी जैसे कि मंगलवार ही कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। शुक्रवार, अमावस्या, मंगलवार, खास आप ध्यान रखना इन वारों को। तो आपको दोस्तों लेना है कौवे की बीट और उल्लू की बीट। काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं उल्लू का ये चीज सामान कहाँ कहाँ से एकत्र किया जाए। दोस्तों काफी ऐसी जगह है जहां पर उल्लू रहते हैं, काफ़ी ऐसी जगहें हैं, यदि आप फाइंड आउट करेंगे आपको अवश्य ही मिल जाएगी, और वहाँ से आपको इस तमाम चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भरोसे पात्र हो, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बना करके डाली थी, अपलोड की थी, उल्लू की चोंच जो आपको धन देती है, भरपूर धन। यदि दोस्तों ये चोंच, जिस तरीके से मैंने जो विधि आपको बताई है उस वीडियो के अंदर, आप उस चोंच को अपने पास रख लें, रिजल्ट आप खुद आपके साथ पूछते राज करेगी, इतना धन आपके घर में होगा। चोंच को जब आप गूगल की धुनी देते हैं, उस समय आप जितने व्यक्तियों का नाम बोल दोगे, जितने अपने शत्रुओं का, विरोधियों का, सबका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सब आपस में लड़ मरेंगे। बहुत ही पावरफुल चीजें हैं दोस्तों, लेकिन ढूंढना तो आप ही को पड़ेगा, ढूंढना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको चाहिए उल्लू की बीट और कौवे की बीट, दोनों ही चीज को आप एकत्र कर लें, और उसे आपको मिक्स करना है गुलाब जल से। क्या करना है? गुलाब जल से आपको इस चीज को एकत्र कर लेना है, बराबर आपको उसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते समय सिर्फ आपको एक ही शब्द बोलना है, वश्यम 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 वश्यम, बस आप इतना बोलते जाएं, इसे बराबर मिक्स करके आप रख लें। उसके बाद आप इसका तिलक लगाएं, जब भी आप चाहते हैं, जिस भी महिला का आप आकर्षण करना चाहते हैं, आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसका वशीकरण करना चाहते हैं, इस बीट का सिर्फ आप तिलक करके जाएं, आपकी तरफ देखते ही
वो महिला आपसे आकर्षित हो जाएगी, महिला आपसे आकर्षित हो जाएगी। कोई भी महिला हो, ये तंत्र दोस्तों सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसको लगाने के बाद आप संसार की किसी भी महिला को मोहित कर सकते हैं। बहुत ही साधारण उपाय है। आपको सिर्फ दो चीज़ें लानी है, उल्लू की बीट और कौवे की बीट। मिक्स करना है आपको गुलाब जल से, ठीक है, और उसके बाद आपको इसका तिलक करना है। यदि आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जहाँ महिलाओं का ही आना जाना ज़्यादा है तो आप इस चीज़ का आप तिलक करके बैठ सकते हैं, आपका व्यवसाय दौड़ पड़ेगा। बहुत ही साधारण उपाय है, करने के लायक है, करके देखिए। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।